स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें हम आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स प्लस साइन टू एक्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है सी एफ फाइंड करना, सेकंड पी आई। तो सी एफ के लिए हम क्या बनाते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इट्स ए ई इज, ए ई मींस ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे, डी रिप्लेस करते हैं एम से, तो डी रिप्लेस बाई एम, तो हो जाएगा डी स्क्वायर एम स्क्वायर फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। राइट हैंड जीरो रहेगा क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन में ऑलवेज राइट हैंड जीरो होता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, मतलब एम की वैल्यू निकालते हैं। फैक्टर करेंगे इसके, फोर के फैक्टर प्लस करके फोर आ जाए तो टू इंटू टू, इसके फैक्टर हो गए m माइनस टू और m माइनस टू। ठीक है, यहाँ से m की टू वैल्यू आई, टू कॉमा टू, दोनों टू है, पॉजिटिव है। तो रूट्स कैसे हैं, रूट्स हैं रियल एंड इक्वल। तो इसका सी एफ क्या होगा, देखिए जो हमने बताया था रूट्स, उनके सी एफ लिखने के फोर मेथड थे, यानी फोर मेथड होते हैं। एक होता है रियल एंड डिफरेंट, एक होता है रियल एंड इक्वल, इक्वल या रिपीटेड, यानी रूट रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि एम की वैल्यू टू फिर टू तो रिपीट हो गई। तो इसका सी एफ लिखने का जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या है, देखिए जितने रूट होते हैं उतने कॉन्स्टेंट हमें लेने होते हैं, जिन्हें हम आर्बिटरी कांस्टेंट कहते हैं, सी वन सी टू सी थ्री। चूँकि टू रूट हैं इसलिए टू कांस्टेंट चाहिए हमें। तो उन कांस्टेंट की फॉर्म कैसी होती है, सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर टू एक्स, ध्यान देना है। देखिए क्या दोनों कांस्टेंट कंबाइंडली लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे बना के ब्रैकेट में, और ई की पावर जो भी रूट आएगा वो ई की पावर के ऊपर, यानी ई की पावर टू इंटू एक्स। ठीक, बाय द वे डिफरेंट होते, जैसे ये टू होता और ये माइनस टू होता, तो हम क्या लिखते, सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस टू एक्स। ठीक, तो वो डिफरेंट के लिए है और ये इक्वल के लिए है। अगर रूट इक्वल हैं और रियल हैं तब प्रोसीजर ये है, वर्किंग प्रोसेस सी एफ लिखने का। तो सी एफ हो गया हमारा सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर टू एक्स, दोनों रूट सेम है इसलिए दोनों कांस्टेंट कंबाइंड में लिखते हैं। बाय द वे ये एक और होता है, यहाँ टू और होता तब हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट जो तीन कांस्टेंट होते हैं उनको एक साथ लिखते, सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड ई की पावर टू एक्स। जो भी रूट होता है यहाँ, जैसे टू और एक तीसरा और टू, तो ये यहाँ पर ही लिखा जाता। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप, जिसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी पी आई लिखते हैं। क्या होता है, वन अपॉन एफ डी, एफ डी मीन्स जो डी का फंक्शन है क्वेश्चन में वो हम लिखते हैं, वन अपॉन एफ डी। तो एफ डी हम यहाँ देख लेते हैं, ये इनटू जो राइट हैंड में फंक्शन होता है वो यहाँ लिख लेते हैं, ये आपको पता होगा क्योंकि हमने
सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, फिर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आज। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए, अब पीआई निकालने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, इस फंक्शन की पीआई और इस फंक्शन की पीआई, तो दोनों प्लस, बीच में प्लस है तो दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, हम करते हैं। देखिए, डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर इंटू ई की पावर टू एक्स, ये कंप्लीट फंक्शन। इस फंक्शन में दो टर्म, जिसमें एक टर्म ई की पावर टू एक्स की और सेकंड टर्म साइन टू एक्स की, तो दोनों के लिए पीआई हम अलग अलग सेपरेट सेपरेट फाइंड करेंगे, कंप्लीट आंसर आएगा। बाय द वे, हम बीच में साइन होता मल्टीप्लाई का, तब फिर हम मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई करते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। देखिए, अब हमारे पास, हमने बताया था आपको e की पावर ax का पीआई साइन या कॉस दोनों का एक ही मेथड है इसका पीआई, तो e की पावर ax के पीआई के लिए हम क्या करते हैं, d रिप्लेस करते हैं किससे, a से, यानी d की जगह a लिखते हैं, a यहाँ क्या है 2, तो d रिप्लेस बाय 2। एंड साइन के लिए जो रूल है वो है डी स्क्वायर रिप्लेस बाई माइनस का ए स्क्वायर, माइनस अलग ए स्क्वायर अलग, यानी ये रही माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, माइनस अलग है, एक ये होता है माइनस टू का स्क्वायर, तो ये नहीं है, ये माइनस टू स्क्वायर ए, सॉरी ए स्क्वायर फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ ए है, यहाँ देखेंगे एक्स का कोफिशेंट, ए क्या होता है एक्स का कोफिशेंट होता है, एक्स का गुणांक, तो टू है माइनस का टू स्क्वायर, तो इसमें तो हम डी की जगह टू लिख देंगे और यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह पर माइनस टू स्क्वायर, डी ऐसे ही लिखेंगे जैसा है, देखते हैं। टू स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू प्लस टू ई की पावर टू एक्स प्लस माइनस का टू स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर, यहाँ रहा साइन टू एक्स। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि ये टर्म जीरो हो गई, सॉरी यहाँ फोर है ना, ये तो फोर माइनस एट प्लस फोर टोटल जीरो। यहाँ देखिए ये माइनस फोर, ये प्लस का फोर, कैंसिल, माइनस का फोर डी साइन टू एक्स, तो दिस इज मीनिंगलेस, ये जो टर्म हो गई हम लिख देते हैं यहाँ, दिस इज मीनिंगलेस। अब जब ये जो मेथड है ये जीरो आ गया डिवाइड में, तो मीनिंग ये मेथड फेल हो गया पीआई निकालने का। अब ई की पावर ए एक्स का पीआई निकालने का एक और मेथड है, वो अप्लाई करेंगे, वो क्या, जब जीरो बनता है तब तभी अप्लाई करेंगे इसे। ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, डी माइनस टू का होल स्क्वायर, यहां से ये, और इसका पी आई यहाँ तक आ गया हमारा माइनस वन अपॉन फोर डी साइन टू एक्स। फिर समझ सकते हैं आप, हम चाहे ये भी लिख सकते थे लेकिन हमने शॉर्ट करने के लिए हमने होल स्क्वायर बना दिया इसको, और ये होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी ए है, आप चेक कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया डी माइनस टू का होल स्क्वायर। तो इसका हम जो पी आई है दूसरे मेथड से करेंगे, यहाँ देखते हैं ये हो गया, तो यहाँ वन अपॉन डी रह गया ओनली, वन अपॉन डी मीन्स इंटीग्रल होता है। अब इसको समझिए, दूसरा मेथड क्या है, डी रिप्लेस होगा डी प्लस टू से, ध्यान देना, जब ये वाला रूल फेल हो जाता है, फेल कब होगा जब डिनोमिनेटर में जीरो होगा, तब हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे ई की पावर एक्स के लिए, क्या होता है डी प्लस ए,
इसका एक रूल है डी रिप्लेस ए और दूसरा है डी रिप्लेस डी प्लस ए। ठीक, तो इसको डी प्लस ए, तो डी डी प्लस टू माइनस टू का होल स्क्वायर e की पावर 2x माइनस 1/4 वन अपॉन डी साइन 2x, ये भी 1/d² स्क्वायर हो गया e की पावर 2x माइनस 1/4। देखिए इसको 1/d मीन्स इंटीग्रल होता है और इसका मतलब डबल इंटीग्रल, डी स्क्वायर है हम दोनों के इंटीग्रल एक साथ सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x अपॉन 2 आएगा, फिर करेंगे हम इसका तो e की 2x का फिर e की पावर 2x अपॉन 2 आएगा तो वो 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/4 साइन 2x का इंटीग्रल माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होगा, इंटीग्रल आपको आता ही होगा e की पावर 2x अपॉन 4 प्लस सॉरी कॉस 2x अपॉन 8, ये माइनस माइनस प्लस क्या हो गया पी आई। ठीक, पी आई सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर्मूला y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, y इज इक्वल टू सी एफ, सी एफ क्या है ये सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई की पावर 2x, सी एफ की जगह ये लिखेंगे पी आई जो ये आया ई की 2x अपॉन 4 प्लस कॉस 2x अपॉन 8 और हम यहाँ लिख देंगे तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा।